नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। सीधे रुख करेंगे खबरों का। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और जेपी अग्रवाल पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कमलनाथ के 5 हाईटेक रथों के प्रचार पर निकलने पर निशाना साधते हुए कहा कि रथ का क्या होगा जब घोड़े ही अलग अलग दिशाओं में भाग रहे हैं। उन्होंने दिग्विजय सिंह और अरुण यादव के प्रचार और कांग्रेस के नारे पर भी तंज कसा। गृह मंत्री ने कहा कि अभी तक की योजनाएं चुराते थे, अब नारा भी चुराने लगे हैं। वो बड़े लोग हैं, चोर तो नहीं कह सकते, लेकिन कांग्रेस में कोई नया सोचता भी नहीं है। देखो, कमलनाथ जी और उनके युवराज नकुलनाथ जी दोनों को ही नहीं मालूम होगा कि चने का पेड़ होता है कि पौधा होता है। दोनों ही सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए हैं, किसानों की बात कर रहे हैं। अचंभा ये है कि इनने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से झूठ बुलवाया कि 10 दिन में 2 लाख का कर्जा माफ करेंगे, नहीं मुख्यमंत्री बदल देंगे। एक व्यक्ति का भी 2 लाख का कर्जा 10 दिन में माफ नहीं कर पाएगी। 2-2 हजार की लिस्ट बताते घूमते कि विधानसभा में भाजपा ने जवाब दिया था। अरे, आपने जो कहा था लिखित में, झूठ बोलने वाली पार्टी आपकी है, आप बताओ तो किसका 2 लाख हुआ। किसान की बात बार बार कर रहे हैं, जिसको किसानी की जानकारी नहीं, जिसने हल नहीं पकड़ा, हल की मुठिया नहीं पकड़ी, बखर नहीं चलाया, दाएं नहीं की, सिंगा नहीं की, वो किसान की बात कर रहा है। अचंभा है, ये लोकतंत्र की खूबसूरती क्या है या बदसूरती, जरा आप अंदाज करो इससे कमलनाथ जी। अब क्या है कि ये हमारी योजनाएं चुराते थे अभी तक। लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना हम लाए, वो लाडली बहना को कह रहे हैं कि हम इतने देंगे। अब नारा भी कहो दिल से, शिवराज फिर से था, अब वो चुराने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं चोरी को चोर तो नहीं कह सकता, बड़े लोग हैं, लेकिन तरीका क्या है ये इनका, कुछ नया सूझता नहीं है कांग्रेस को। अपने बाहर के लोगों के द्वारा चुनाव प्रचार और पार्टी का काम कर रहे हैं। कोई नेता कहीं नहीं जा रहा। आपने कहीं सभा देखी दिग्विजय सिंह जी की पूरे प्रदेश में? आप कह रहे हो प्रचार पे गए हुए, हमें ही दिखा दो एक आध सभा उनकी। सभा में लोग नहीं आते दिग्विजय सिंह जी के। उन्होंने कहा है, अभी तक जितनी बार कहा है तो किसी ने माना नहीं है। अभी भी हश्र वही होने वाला है। एक दिन की अखबार की न्यूज है, कल से आपको कोई देखेगा नहीं।